पटना सिटी के खाजे कला थाना क्षेत्र के दुल्ली घाट मोहल्ले में मंगलवार की रात घर में घुसकर बदमाशों ने पहले स्वास्थ्य विभाग के कार्यरत शिव शंकर ठाकुर की पिटाई की। इसके बाद घर से बाहर खींचकर गोली मारकर जख्मी भी कर दिया। बताया जाता है कि गूंगी युवती के साथ हुए अभद्र व्यवहार में इस घटना को अंजाम दिया गया। प्रत्यक्षदर्शी की माने तो अपराधियों ने घायल व्यक्ति को बाइक पर बैठाकर गंगा घाट किनारे ले जाने लगे, पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुटने के कारण घायल अवस्था में ही उसे वहां छोड़कर अपराधी फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं घायल व्यक्ति को इलाज के लिए उनके परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। खांजेकला थाना अध्यक्ष सनोवर खान ने बताया कि प्रारंभिक जांच में युवती के साथ हुए अभद्र व्यवहार के विवाद से जुड़ा हुआ मामला सामने आ रहा है, जिसकी छानबीन की जा रही है। देखिए पटना से संवाददाता आनंद। बड़ाघाट के पास यहाँ पर हम लोग खाना ना खा के बैठवे किए थे, तो दीवान मल्ला मेरे एक नया घर है, वहाँ बगल से फोन आया कि तुम्हारे पिताजी के साथ मारा पीटी हुआ है। तो यहाँ कहाँ पे रहते थे वो पहले कहाँ रहते थे? बड़ाघाट। अपना तो, घर है इनका? नहीं, यहाँ क्वार्टर है। तो वहाँ गए तो आप क्या देखे? वहाँ गए तो देखे कि हमारे घर से थोड़ा सा आगे लगे हुए हैं और हमारे पिताजी गिरे हुए। क्या नाम था आपका पिताजी का? श्री शंकर ठाकुर। क्या करते थे? सर्विस करते। किस गवर्नमेंट? स्वास्थ्य विभाग में। आप कौन हुए उनके? उनके लड़के हुए। मेरा नाम संतोष कुमार है, हम सिविल कोर्ट के पटना सिटी में अधिवक्ता हैं। आप कहाँ रहते हैं? बड़ाघाट। पापा जी भी मेरे यहीं रहते हैं बड़ाघाट में ही। सीमान मोहल्ला में मेरा नया मकान बना है। शंकर ठाकुर को गोली लगी है, हम आम पर रहने वाले हैं। वहाँ जाने के बाद ये पता चला कि अंजलि कुमारी लड़की है, गोली है उनके साथ गलत काम किया गया है, जिसकी वजह से घटना घटी है। सर कहाँ के रहने वाले थे ये लोग जो शंकर ठाकुर थे? शंकर ठाकुर का ऐसे यहाँ नया मकान बना हुआ है, यहाँ भी रहते हैं और इसके अलावा नगर घाट में। सर घटना स्थल से क्या क्या बरामद हुआ? एक खोखा और एक बिलेट।